ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 200,000 करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनके उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं, ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तिहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? तो जहां जहां हम जाते हैं बेरोजगार नौजवान क्यों दिखते हैं? इतनी महंगाई क्यों है? इतनी महंगाई क्यों है? क्या आप इतने बड़े काम कर सकते हो लेकिन एक गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं कर सकते? आप छोटे व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते? आप रोजगार नहीं बनवा सकते? तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? लोगों को दबाने के लिए है या अडानी जी को आगे बढ़ाने के लिए है? तो आज ये समय आ गया है कि हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये सरकार पूरी कोशिश करती है कि आपका ध्यान भटकाया जाए। अब आप सोचिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक आदमी चला, उसके साथ लाखों लोग चले, क्या पैगाम लेके चला, किस लिए चला, उसके दिल में क्या भावना थी कि लाखों लोग देश भर से उससे जुड़ के चले? समता एकता की भावना थी। आज आपके सारी मीडिया, आपके सारे मंत्री, आपके सारे सांसद, आपके सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल जी ने विदेश जाकर देश का अपमान किया, राहुल जी ने एक वर्ग का अपमान किया। क्या एक आदमी जो कन्याकुमारी से लेकर 5,000 किलोमीटर कश्मीर तक चल के ये रोज रोज कहता है कि इस देश को एक होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्या ये आदमी देश का अपमान कर सकता है? क्या ये आदमी एक वर्ग का अपमान कर सकता है? तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये आपकी आवाज उठा रहा है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि गरीबों को अपना हक दो, नौजवानों को अपना हक दो, महिलाओं को अपना हक दो, यही तो कह रहा है। और हक क्या है? हक ये है कि जो आपका है वो आपके हाथों में जाना चाहिए। किसी